पत्रोड़ों की तैयारी हो रही है, ये सारी इनको धोया जा रहा है पहले। अभी 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 गांव से आए हैं, हिमाचल से, पालमपुर से। हमारे पड़ोस में एक आंटी है, वो लेके आए हैं अभी। बस थोड़ी देर में आपको आगे आगे दिखाता हूँ। मुझे गुड इवनिंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। और ये हम आज का जो ब्लॉग है वो कुछ खास नहीं है, बस एक हिमाचली डिश है, डिश नहीं बोल सकते उसे, स्नैक्स बोल सकते हैं, वो बनाने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं पतरोड़ा, जो हिमाचल की साइड के लोग हैं वो सब जानते होंगे। बाकी जब नहीं जानते उनको मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से ये बनाया जाता है। फिलहाल अभी अभी ये हिमाचल से आए हैं, हमारी एक आंटी हैं वो पालमपुर से आए हैं, तो वो लेके आए थे, वो मॉर्निंग में चले होंगे हिमाचल से, और अभी इस टाइम पहुँचे हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और जल्दी आके ले जाओ, तो वो सभी लेके आए हैं। और अब कैसे कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे कैसे फिर तला जाता है, दिखाता रहूँगा इस पूरे ब्लॉग में आपको। तो ये एक तरीके से एक आज फूड ब्लॉग होने वाला है, फूडी। देखिए फिर आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे रहेगा और सब। और गर्मी हो रही है थोड़ी ज़्यादा है आजकल दिल्ली में, सब जगह बारिश हो रही है, दिल्ली में गर्मी। इसका मसाला तैयार किया जा रहा है, और क्या क्या डाला गया इसमें, ये है बेसन और क्या, गरम मसाला, अजवाइन, प्याज, हल्दी, लहसुन, सॉरी लहसुन नहीं है, पुदीना, लाल मिर्च, नमक, ये मसाला तैयार किया जा रहा है इसका पूरा। और सरसों का तेल मिला के थोड़ा सा मिक्स किया जाएगा, फिर ये पत्तों के ऊपर सोया लगाया जाता है। सोया, क्या सोया, ये सौंफ, ये मैं पीस रहा हूँ उसको, थोड़ी इसमें इसमें डाल के चावलों के साथ पीस रहा हूँ। और ये होती है हिमाचली हिमाचली स्वीट डिश। स्वीट तो नहीं होती पर स्नैक टाइप का होता है। तो ठीक है, अभी अभी आए और हम इस टाइम रात में बना रहे हैं। ये इस तरीके से इसका पेस्ट बना दिया, वो जो भी मैंने मसाला दिखाया था आपको, उसको सारे को मिक्स किया जाता है, थोड़ा सा पानी से मतलब पेस्ट बना दिया जाता है, फिर ये पत्तों के ऊपर लगाया जाता है। ये उसकी तरह हो गया, क्या बोलते हैं उसको, उपटन की तरह। स्टार्ट। इसको इस तरह पत्ते को रखते हैं, फिर इसके ऊपर ये मसाला लगाया जाता है सारे में, फिर इसके ऊपर एक और पत्ता रखेंगे, फिर एक और रखेंगे, सबके ऊपर इसी तरीके से मसाला लगा जाता है ये। फिर बाद में इसको फोल्ड करके रोल किया जाता है, मैं आपको आगे आगे दिखाता रहूँगा। ये इसको इस तरफ की तरह से फोल्ड कर दिया है, अब इस तरफ भी सारा मसाला लगाया जाएगा, और फिर इसको इस तरफ से फोल्ड कर दिया जाएगा, और उस तरफ भी सारा मसाला लगाया जाएगा, ये इस तरीके से। और यहाँ पे भी पूरे में मसाला लगाया जाएगा, ये तरीके से डोसा बन गया। इस तरीके से इसको फोल्ड किया जाएगा नीचे से, रोल अप करके पूरा रोल कर दिया जाएगा ऐसे, और सब जगह मसाला लगाना जरूरी होता है वरना स्वाद नहीं आएगा। इस तरफ से रोल किया जाएगा, फिर इसको रील के धागे से बांध देंगे। अब इस तरीके से इसको कढ़ाई में रख दिया गया है, साइड में थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया है, और इसको भाप दी जाएगी। भाप दी जाके फिर कल जब दिन में या मॉर्निंग में शाम को जब भी होगा, से पीस पीस करके तला जाता है तवे में। तो ठीक है, अब इसको स्टीम देने के लिए रख देते हैं गैस में। तो देखिए गाइस, इस तरीके से कुछ बन के ये तैयार हो जाता है, जिसे कहा जाता है पतरोड़ा। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, और मॉर्निंग में अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ खाना चाहे तो ब्रेकफास्ट के साथ भी खा सकते हैं। और इस टाइम जब मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ खा लेता हूं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा शाम का। तो ये एक पहाड़ी डिश होती है, जिसको हम हिमाचल के लोग तो बहुत से खाते हैं, और उत्तराखंड के भी खाते हैं, और बाकी दिल्ली दुल्ली वाले तो शायद इतना नहीं जानते होंगे। तो ठीक है गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये खास वीडियो नहीं था, ये एक मिनी व्लॉग था, वो भी एक फूड व्लॉग, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है गाइस, बता अभी इसमें खा लेता हूँ, चटनी हो जाएगी मेरी।